अक्सर यही सोचती होगी वो, और तुम्हारे क्या सोच रही हो के जवाब में बस उचका देती होगी कंधे। तुम मौन की भाषा जानते हो साइलेंस, तुम मौन की भाषा जानते हो, और स्पर्श की छुअल टच, तुम मौन की भाषा जानते हो और स्पर्श की, और चूमने वाले मौन स्पर्श की। और अब आज की आखिरी कविता, ये मेरी सबसे पसंदीदा कविताओं में से है क्योंकि ये महसूस करके लिखी हुई कविता है। मैं अक्सर चुरा लेती हूँ आसमान से जान, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। मैं अक्सर चुरा लेती हूँ आसमान से चांद, और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती। वो मानते हैं कि अमावस की रात का तेवर महक मिर्जा का हूँ। नो इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड, वी ऑलरेडी गॉट अ रूम फॉर हर। एक अरसे बाद तेरी तस्वीर देखी मैंने, मुझे याद नहीं आखिरी बार मैंने कब देखी थी। मुझे ये भी याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब मुस्कुराया था। मुझे पहले से मालूम था तेरी मेरी कहानी का अंजाम, इसलिए तुझे हर रोज तस्वीर भेजने को कहा करता था। हाँ, मुझे मालूम था, मैं कहने से करता था। जिंदगी में देख कितना मशहूर हो गया कि अरसे बाद तेरी तस्वीर देखी मैंने। मेरे लैपटॉप में एक फोल्डर है तेरे नाम का, के नाम के एक फोल्डर में, मैं तो उसे भूल ही गया था। दरअसल आज भी उसमें मैं गलती से चला गया था, शायद नहीं गया तो जानबूझ के होगा, ऐसे ही कुछ जरूर कह रहा हूँ। देख, खुद अपने के जुल्म सह रहा हूँ। वहाँ उसी फोल्डर में तेरी एक वीडियो भी थी जो तू रोज भेजा करती थी, उसमें कितनी तू एक्सक्लूसिव है खुद को फॉर सेल ना समझ। पापा कहते हैं कि जिंदगी को खेल ना समझ, तेरी नौकरी अच्छी तो है इसे खेल ना समझ। और जब पापा आखिरी शेर कहते हैं सुन के बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम सबकी लाइफ से ना ये पॉइंट मिस हो चुका है। पापा कहते हैं कि मैं भी तो इंजीनियर हूँ, पापा कहते हैं कि मैं भी तो इंजीनियर हूँ, बस तुझे ठीक नहीं कर सका। ना बारिश के ना वो जाड़े के दिन थे, ना बारिश के अलसाए से बादलों का ग्लूमी सा डे था, अलसाए से बादलों का ग्लूमी सा डे था। पर वो दिन फिर भी खास था क्योंकि पहली बार था जब कुछ शब्द मेरे होठों पर थे और कई प्रश्न आंखों में। और पहली बार तुम, हाँ तुम इतने शांत और स्थिर, कभी मेरे चेहरे को निहारते, कभी मेरी आंखों को पढ़ते, कभी मेरी बातों को पीते। पर वो पहली बार ही था कि मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल रहे थे और तुम मेरे प्रश्नों से हैरान थे। और आज पहली बार वो राह मुड़ गई थी, फिर अचानक से किसी दोराहे पर मिलना हुआ, फिर अचानक से किसी दोराहे पर मिलना हुआ। और इस बार तुम्हारी आंखों में कई कई सारे प्रश्न, सिले होठों डबडबाती आंखों के साथ, सिले होठों डबडबाती आंखों के साथ मैं तुम्हारे सामने थी। करोड़ों सेकंड्स, लाखों घंटे और हजारों महीनों के हिसाब के एवज में
कुछ शब्द होठों ने बुदबुदाए थे, कुछ शब्द होठों ने बुदबुदाए थे और तुम्हारा हिमालय जैसा भार भर भरा कर ढह गया था, और तुम्हारा हिमालय जैसा भार भर भरा कर ढह गया था। और वो पहली बार ही था कि जब एहसास हुआ कि दो समानांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं पर साथ चलती हैं। एक बार फिर वो राहें मुड़ गई थी। धन्यवाद। आई एम अ डाइटिशियन एंड मैं इंसीड के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, मार्ट मॉम के साथ भी जुड़ी हूँ, इसीलिए इस इवेंट पे हूँ एंड मैं ये इवेंट को होस्ट कर रही हूँ। ये इवेंट एक फंडरेजर है, इंसीड एक एनजीओ है और मार्ट मॉम के जो फाउंडर है ज्योति अग्रवाल, उन्होंने इंसीड के साथ जुड़ के ये प्रोग्राम बनाया ताकि बच्चों के लिए पैसे जमा हो, जो एक नया स्कूल है उसके लिए पैसे जमा हो। इट इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम, इतने आर्टिस्ट आए हैं, इतने पोएट्स आए हैं और इतना सुंदर इवेंट, बहुत टाइम के बाद मैंने अटेंड किया जिसमें इतना मज़ा आ रहा है एंड हर तरह के लोग को सुनने मिल रहा है जो नॉर्मली होता नहीं है ये साइड में, स्पेशली टाउन साइड में तो आप देखते हैं ये साइड में ये देखने नहीं मिलता है। सो ब्यूटीफुल है, अच्छे अच्छे पोएट्स आए हैं, सब इंस्पिरेशमेंट हो रही है, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है सुनते ही जाओ उनको, सुनते ही जाओ, एक से बढ़कर एक, मतलब एक को सुन के लगता है ये बेस्ट है, फिर दूसरे आते हैं उनसे और अच्छे। फील यस, इट्स वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच। मैं रवि पुनिया, रवि चांद पुनिया, मेरा नाम कॉलेज है और मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ और 15 सालों से लिख रहा हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सीड और मार्टी मॉम का कि आज उन्होंने यहाँ पर गांधी वाली कल्चरल फेस्ट के लिए बुलाया और मेरी कविताएँ, मेरे ख्याल मैं यूजली कहता हूँ कि ब्लड स्वेट और टीयर्स से जुड़े रहते हैं मेरी, मैं करीब 15 सालों से लिख रहा हूँ और 3 सालों से बाहर हूँ, तो मेरी लिखाई में और मेरे ख्यालों में उन्हीं का ज़्यादा प्रभाव रहा है और वही देखने को मिलती है। आम जिंदगी, आमतौर पर जिंदगी, प्यार इश्क मोहब्बत, एक अंडरडॉग की कहानी और इनके बारे में लिखता हूँ और यही मेरा सफ़र है और आगे इस तरह से मैं लिखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई में है कि हरियाणा से? जी मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ फिलहाल, मैं मुंबई में ही रहता हूँ और मुंबई में ही रहता हूँ। देखा ऑडियंस ने आपको बहुत पसंद किया था, बड़ा अच्छा लग रहा था। जी जी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि उन्हें मेरे ख्याल में करनाएं पसंद आई, एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसकी भावनाएं लोगों तक पहुँच पाए और उसका रिस्पॉन्स मिले और मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं इस तरीके से उसे कनेक्ट कर पाया और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बोलूँगा आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। यहाँ गांधीवली में जो फेस्ट हो रहा है तो वहाँ पर मैं आई हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मार्ट टू मॉम जो टाइटल है वो इटसेल्फ इज सो ब्यूटीफुल, बिकॉज यू नो टुडे एक मदर जो है, मदर के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसके बावजूद भी शी टेक्स आउट टाइम फॉर हरसेल्फ टू डू एंड फुलफिल हर पैशन, तो मैं इसके लिए आई एम विद देम एंड दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर कि मार्ट टू मॉम को सपोर्ट करती हूँ एंड दैट एंड ऑल्सो दे आर डूइंग लॉट ऑफ सोशल सर्विस इनसीड के साथ हैं एंड विच आर सपोर्टिंग द कॉज ऑफ अंडरप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन एंड दे आर वर्किंग फॉर वर्किंग टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट एंड आई हैव कम हियर टू सपोर्ट देम। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। बच्चों के पढ़ाई
कविता है वो हजारों साल चली आ रही है, बट कविता के अंदर जो हास्य वाला पार्ट है, जो फनी पार्ट है, थोड़ा सा खत्म हो रहा है, उसको रिवाइव बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं तकरीबन 11 साल से लिख रहा हूँ, 4 साल से परफॉर्म कर रहा हूँ, 400 के लिए इवेंट्स कर रखे हैं मैंने। तो यही है कोशिश कि सबको एंटरटेन किया जाए कविता के माध्यम से और हंसाया जाए, तो यही मेरा लक्ष्य है। आज आपका परफॉर्मेंस देखा, तालियों के गुंजन से बड़ा मजा आ रहा था, ऑडियंस पसंद कर रही थी, तो कुछ ऑडियंस के लिए कहना चाहेंगे? देखिए, आपको एक चार लाइनर ही बोलता हूँ, अगर अपने आप को समझा, मुझे लगता है कि मैं बातें भी कविताओं के माध्यम से करता हूँ कि अपनी नाकामयाबी को बस एक ही बात समझानी है। मुझे लगता है ऑडियंस ही सब कुछ है, तो है कि अपनी नाकामयाबी को बस एक ही बात समझानी है कि जल ही जीवन है और सफलता पानी है। फाउंडर मार्टो मॉम, हम KCF ऑर्गेनाइज किया है, हमने विकम इन एसोसिएशन विद इनसीड फॉर अ ब्यूटीफुल कॉज। वी आर सपोर्टिंग एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज किड्स एंड वुमेन एम्पावरमेंट। और मैंने मार्टो मॉम कम्युनिटी स्टार्ट किया था 2015 में, और मुझे नहीं पता था ये यहाँ तक आएगा। आज हमारे पास 26,500 मदर्स कनेक्टेड हैं ग्लोबली। सो मैं हमेशा जो कहती हूँ यही कहती हूँ कि यूँ तो अकेला ही चला था मैं मंजिल की तलाश में, बस लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और उसी कारवां के साथ आज हमने KCF अरेंज किया है, और बहुत मेहनत लगी है, बहुत रातों को सोई नहीं हूँ, पर बहुत खुशी हो रही है जिस तरह से ऑडियंस इंजॉय कर रहा है। इतनी शिद्दत से इसे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे इससे मिलाने की साजिश। थैंक यू सो मच। Associated with INSEED organization for last 10 years, and I'm very proud that INSEED is doing a wonderful work in many areas like women empowerment, education of children, and also working in the field of saving the environment. Today's event, the INSEED has participated with Matu Mom for Kandivali Cultural Fest. The program is going great. We had a very good time in Kandivali Cultural Fest. Many wonderful artists are being invited, and the audience is having a wonderful time to raise the funds. We all had a very good time in Seed and Matu Mom Rock. Thank you. Hi, I'm Deepak Agrawal. I'm the businessman. And we all are working towards a cause with Matu Mom and in Seed. सुपर डुपर हिट रहा, और आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये मार्टू मॉम और INSEED के बारे में कुछ बताएंगे? फर्स्ट टाइम मार्टू मॉम एंड INSEED फर्स्ट टाइम कोलैबोरेट करके एक प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं, जिसमें कि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। INSEED जो है एक NGO है जो कि एंटी प्लास्टिक और एनवायरमेंटली काम करता है। तो फर्स्ट टाइम मिलकर NGO और मार्टू मॉम काम कर रहा है। तो और कुछ ऑडियंस के लिए कुछ और कहना चाहेंगे, कन्वे करना चाहेंगे आप? Audience are enjoying
एवरीथिंग और कुछ बोलना चाहेंगे इस इवेंट के बारे में? इस इवेंट के बारे में, इस टाइप के इवेंट आपके विलेज में और होते रहने चाहिए। इस टाइप का कांदिवली कल्चर फेस्ट फर्स्ट टाइम है, लेकिन इस टाइप के इवेंट होते रहेंगे तो अच्छा है। अच्छा, थैंक यू।